हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग ध्यान देंगे C++ के एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रोग्राम में। हम लोग डिस्कस करेंगे स्वैप ऑफ टू नंबर्स, मतलब दो नंबर्स की स्वैपिंग के प्रोग्राम में। स्वैपिंग क्या होती है? स्वैपिंग का मतलब होता है बदलना। कैसे बदलना? सपोज A की वैल्यू 5, B की वैल्यू 7, और हम चाह क्या रहे हैं कि A की वैल्यू 7 हो जाए और B की वैल्यू 5। इसका मतलब हम इंटरचेंज करना चाह रहे हैं आपस में वैल्यू को, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, स्वैपिंग। तो आइए देखते हैं स्वैपिंग में करते क्या है। सबसे पहले हमने क्या कर लिया है, हेडर फाइल लगा लिया है हैज इंक्लूड iostream.h, जो कि क्या करेगी, इसके फंक्शंस को रीड करेगी। उसके बाद courier.h और मेन फंक्शन। उसके बाद हम लोग बात करते हैं डेटा टाइप की। तो हमने इंटीजर डेटा टाइप ले लिया है और दो वेरिएबल हमने मान लिए, एक वेरिएबल हमने मान लिया ए और एक वेरिएबल मान लिया बी। तो ये दो आपके वेरिएबल हो गए। और तीसरा मैंने मान लिया टेम्प। टेम्प का मतलब टेम्परेरी वेरिएबल। टेम्परेरी वेरिएबल का मतलब एक आपकी चलती खाली प्लेट। सपोज एक एक ए नाम की प्लेट, इसमें 7 रखा है, बी नाम की प्लेट, इसमें 5 रखा है। तो एक खाली प्लेट चीज, इसको हम लोग क्या करेंगे आपस में इंटरचेंज करेंगे। दो वैल्यू मैंने यहां से सीन से इनपुट कर ली। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता रखा है कि सीन से वैल्यू आप इनपुट करते हैं। तो ए और बी में दो वैल्यू चली गई। सपोज ए की वैल्यू क्या थी, 5 थी, और बी की 7 थी। हमें चाहिए क्या, ए की 7 चाहिए और बी की 5 चाहिए। तो हमने क्या मान लिया, एक तीसरा वेरिएबल मान लिया था बैक एंड। मैंने एक मान लिया टेम्प। और यहां पर आप देख सकते हैं हमने दिया टेम्प इक्वल्स टू ए, मतलब जो ए की वैल्यू है वो कहां चली जाए, टेम्प में चली जाए। तो ए वाली वैल्यू आपकी यहां पर आ गई टेम्प में, देख सकते हैं आप। फिर क्या है, ए इक्वल्स टू बी, कि जो बी की वैल्यू है वो कहां चली जाए, ए में चली जाए। तो बी की वैल्यू कहां है, ये ए में चली गई। फिर क्या है, बी इक्वल्स टू टेम्प, इसका मतलब जो टेम्प वाली वैल्यू थी वो कहां चली जाए, बी में चली गई। देख सकते हैं आप, जो मैं चाह रहा था वो रिजल्ट में यहां पर मिल चुका है। तो दोनों रिजल्ट को मैंने अलग अलग प्रिंट कर लिया है, आप चाहे तो एक साथ भी प्रिंट कर सकते हैं। और उसके बाद मैंने कैसे तरह के प्रोग्राम को, ये प्रोग्राम बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, आने वाले टेस्ट में भी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप लोग एक बार बना के आप लोग देख लीजिएगा, और कोई प्रॉब्लम है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए।